रांची हरिद्वार जेल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से हरिद्वार जेल में इसे शिफ्ट किया गया है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के डॉन के रूप में कुख्यात है सुनील रांची। दिल्ली, मेरठ और बागपत और हरिद्वार में कई केसेस इस पर दर्ज है। साथ ही हत्या की साजिश रचना, रंगदारी मांगना, अपहरण करना, ऐसे भी कई केसेस सुनील रांची पर दर्ज है। दिल्ली में जेल में था तिहाड़ जेल में, अब इसको हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर सुनील रांची को हरिद्वार जेल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसे रखा गया था, लेकिन तिहाड़ जेल से अब इसे हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। सुनील रांची पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के डॉन के रूप में कुख्यात है। दिल्ली हो, मेरठ हो, बागपत हो या हरिद्वार, कई केसेस यहां पर इस पर दर्ज है। साथ ही हत्या की साजिश रचना, रंगदारी मांगना, अपहरण करना, ऐसे कई केसेस सुनील रांची पर पहले से दर्ज है। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में इसे रखा गया था, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल से अब इसको हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के डॉन के रूप में कुख्यात है सुनील रांची। दिल्ली के तिहाड़ जेल में था, यहां अपनी सजा काट रहा था। दिल्ली के तिहाड़ जेल से इसको हरिद्वार की जेल में शिफ्ट किया गया है। सुनील रांची पर दिल्ली हो, मेरठ हो या बागपत हो, इसी के साथ साथ हरिद्वार में भी कई केसेस पहले से दर्ज है। हत्या करना, हत्या की साजिश रचना, रंगदारी मांगना, अपहरण करना, ऐसे कई केसेस है जो सुनील रांची पर दर्ज है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा था और अब इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल से हरिद्वार की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। नाम है गैंगस्टर सुनील रांची, जिसको हरिद्वार की जेल में शिफ्ट किया गया है। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में डॉन के रूप में कुख्यात है सुनील रांची। कई केसेस इस पर पहले से दर्ज है। दिल्ली, मेरठ, बागपत और हरिद्वार में कई केसेस ऑलरेडी दर्ज है। अब इसे हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया है। तो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में कुख्यात है सुनील रांची। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था और अब दिल्ली के तिहाड़ जेल से हरिद्वार जेल में उसको शिफ्ट किया गया है। बागेश्वर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और ट्रक ने जहां एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। NH 109B पर यह घटना हुई। जांच अब लगातार जारी है, लेकिन तेज रफ्तार कहर के चलते जो बाइक सवार युवक थे उनकी मौत हो गई है। एक मृतक की पहचान चंदन सिंह के रूप में हुई है। बागेश्वर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ट्रक और बाइक के दरमियान टक्कर हो गई, जिस वजह से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। नेशनल हाईवे 109B के पास ये घटना हुई। अब पुलिस को जैसी ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। हिमांशु संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तेज रफ्तार के कहर के चलते दो बाइक सवारों की मौत, इस पूरे मामले के बारे में बताइए और बताइए कब हुई है ये घटना। जिला मुख्यालय कौसानी बागेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग 109B पर हुआ है। रवाईखाल से करीब 2 किलोमीटर पहले का मामला है। देर सांय की घटना है, क्योंकि ट्रक से ओवरटेक करने के चक्कर में जो वाहन मोटर बाइक है वो अनियंत्रित हो जाती है और इस ट्रक के नीचे आ जाते हैं। दो के दो जो बाइक सवार थे, चालक और पीछे से बाइक सवार, वो दोनों की मौके मौत होगी, जैसा की कोतवाली पुलिस द्वारा और कोतवाल के द्वारा बताया गया है। फिलहाल ट्रक के जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है मौके पर ही। और जो घटना हुई, घटना के बाद से परिजनों में यहाँ कोहराम मचा हुआ है। तो लगातार किस तरीके से रफ्तार का कहर देखने में मिला है जिला मुख्यालय में, कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस और यातायात पुलिस की भी प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में यहाँ जहाँ दर्दनाक हादसा हुआ के बाद कहीं न कहीं पूरे जिले में शोक की लहर है। ठीक ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हो चुकी है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तराखंड बना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश सरकार को बधाई दी। राजधानी में हुई उच्च शिक्षा कौशल विकास की समीक्षा बैठक हुई। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, सीएम की तरफ से कहा गया है। छात्रों के उज्जवल भविष्य में निर्माण में सहायक होगी यह नई शिक्षा नीति। प्रदेश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। सीएम आवास में इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिसमें शामिल हुए। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा के शैक्षणिक सत्र 2022-23
2019 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई आला अधिकारी वहां मौजूद थे और इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, साथ ही नई शिक्षा नीति छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायक होगी। उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में स्कूल वर्टिकल हो या हायर एजुकेशन वर्टिकल हो, दोनों में देश की अन्य प्रांतों से काफी आगे हैं। मैं उत्तराखंड को बधाई देता हूं। ज्ञान की पुजारी इसी प्रदेश में रहते हैं, इसीलिए मैं आश्वस्त हूं अब तक उत्तराखंड न केवल आगे है, आने वाले दिनों में भी भारत में नया बेंचमार्क खड़ा करेगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है, वहीं अमृत काल में ऐसे नौजवान जिनको नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्राप्त होकर नए भारत का निर्माण जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है उसको साकार करने में उन सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए ऐसे समय में शिक्षा नीति जो लागू हो रही है निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को और अधिक प्रतिभाशाली अगर हम बनाना चाहते हैं तो जहां हमें उसके बचपन को ठीक करना होगा उसकी शिक्षा पर आज से ही कार्य करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून के दौरे के बाद हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीएचईएल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक प्रदीप नेगी से मुलाकात की, साथ ही उनकी क्लास में बैठकर उनके पढ़ाने के तरीकों को भी देखा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। दिव्यांग शिक्षक प्रदीप नेगी को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जो वादा किया था मुझसे 5 सितंबर को दिल्ली में जब हम प्रधानमंत्री आवास में गए थे कि मैं आपका शिक्षण तरीका देखना चाहता हूं, तो वो आए, उन्होंने देखा, क्लास में 10-15 मिनट रहे और उनको बड़ा अच्छा लगा कि नई शिक्षा नीति में जो हाइब्रिड तरीका मोदी जी ने बोला है कि हाइब्रिड लर्निंग होनी चाहिए। कोरोना के समय में ऑनलाइन कैसे पढ़ाना और उसमें विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को कैसे ज्यादा समझ आए, इसकी उन्होंने एक प्रयोग किया, इसीलिए उसको इस बार उनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। मैं और मेरे मित्र धन सिंह जी को मैंने कहा था एक बार चल के प्रदीप नेगी जी की इस प्रयोग को खुद हम क्लासरूम में बैठ के देखे। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का भी आरोप लगाते हुए करण माहरा नजर आए हैं। तो सरकार को आड़े हाथों लिया है, प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार संरक्षण देती है अपराधियों। जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, जिस तरीके से आनंद फानंद में कानून को हाथ में लेते हुए वहां आगजनी की गई, डोजर चला के वहां के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अधिकारी अपने बयान बदलते रहे और डीजीपी महोदय ने लड़की और उसके पिताजी, लड़की के पिताजी और अपनी वार्तालाप को टेप करके जिस तरीके से सार्वजनिक किया, निश्चित ही वो कानून का हनन था। इतने बड़े अधिकारी से ये उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। बीजेपी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी हल्द्वानी के दौरे पर है और इस दौरान अनिल बलूनी ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन सख्त है। साथ ही पीएम मोदी आगामी दौरे के मसले पर भी उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री का देवभूमि और बाबा केदार से विशेष लगाव है। किसी भी कीमत पर जो जनता के मुद्दे हैं उनकी अवहेलना ना हो, जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं पनपने ना दिया जाए, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है, ये हमारे डीएनए है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आई है, बहुत तेजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से विकास के काम भी कर रहे हैं और जहां जहां कुछ कमियां पाई जाती है उनको भी पूरा किया जाता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की गति और अधिक बढ़ती रहेगी। एक नया राजनीतिक कल्चर और सरकार में और समाज में नया कल्चर को पैदा किया है। हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं और ऐसा नहीं कि चुनाव की तैयारी को लेकर करते हैं, लगातार काम करते हैं, साल भर पूरे टाइम काम करते हैं। तो हम लोगों को चुनाव में कोई एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर हो ऐसा नहीं होता है, हम लोग नियमित तौर पर काम करते रहते हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भगवान केदारनाथ से और इस देवभूमि से बहुत ही बड़ा लगाव है और वो समय समय पर आते भी रहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने जानकारी दी कि ऐसा कोई कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं देवभूमि में मंदिरों में भी जाते हैं और उत्तराखंड के विकास की भी समीक्षा करते हैं। कल नेताजी की अस्थियों का विसर्जन होगा, बड़ी खबर। कल गंगा में विसर्जित होगी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। अखिलेश यादव परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचेंगे और वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेताजी की अस्थियों का कल हरिद्वार में विसर्जन होगा। कल नेताजी की अस्थियों का विसर्जन होगा और कल गंगा नदी में विसर्जित होंगी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। अखिलेश यादव परिवार के साथ हरिद्वार कल पहुंच रहे हैं, वीआईपी घाट पर विधि विधान के साथ नेताजी की अस्थियों को विसर्जित करते हुए नजर आएंगे। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अस्थियां सोमवार को यानी कल हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की जाएगी। अखिलेश यादव के साथ परिवार के करीबन 15 सदस्य दोपहर में अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचेंगे और विधि विधान के साथ हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड में नेताजी की अस्थियां विसर्जित की जाएगी। कल माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियां उनका परिवार लेकर के कल लगभग 12 बजे के समय लगभग दोपहर में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर आ रहा है। हम उनके यहाँ पर कुल पुरोहित होने के नाते ये सारा कर्म जो हम ही लोग यहाँ कराएंगे। अखिलेश जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं और उनके भाई भतीजे सब परिवार में करीब 15 सदस्य उनके पारिवारिक लोग हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में माननीय नेताजी की का अस्थि कलश लेकर के ब्रह्मकुंड क्षेत्र पर आ रहे हैं। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की अस्थियां लेकर के परिवार समेत सफाई से चल करके जौली ग्रांट आएंगे। जौली ग्रांट से वीआईपी घाट जो चरण सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने दिया था वहां पर आएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि सभा होगी। उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हमारी तरफ से किया गया, प्रशासन और पुलिस ने जो उनके साथ सिक्योरिटी की टीम आ रही है उससे लगातार हमें संपर्क में यहाँ पे हम जो हमारे पास है कि अस्थि विसर्जन का ही कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। श्रीनगर गढ़वाल दौरे के दौरान धन सिंह रावत ने सीडीएस अनिल चौहान के पैतृक गांव पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश से अब तक 2 सीडीएस का चयन प्रदेश के लिए गौरव की बात है, इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। और लैंसडाउन में भूमाफिया फर्जी तरीके से एक जमीन को किसी दूसरे युवक के नाम पर दर्ज करवा रहे थे, जिसके बाद भूस्वामी ने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन भूमाफियाओं के हाथ इतने लंबे हैं कि राजस्व विभाग भी बौना साबित हो रहा है। लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर उनको डराया और धमकाया जा रहा है। और पौड़ी में रिहायशी इलाके में गुलदार दिखने से लोग सहम गए। आए दिन रिहायशी इलाकों में गुलदार नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने इलाके में अब अपनी गश्त बढ़ा दी है। गुलदार का रेस्क्यू करने में भी वन विभाग जुटा हुआ है। पौड़ी के रिहायशी क्षेत्रों में गुलदार की चहलकदमी देखे जाने से लोगों के मन में अब भय है।
भयभीत हो रखा है पूरा माहौल। प्रेमनगर अस्पताल मोहल्ला सर्किट हाउस समेत कई इलाकों में गुलदार की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वन विभाग की टीमें हालांकि मौके पर पहुंचकर अपनी गश्त देने लग रही है। वन विभाग ने पहले से ही गुलदार की दस्तक को देखा था और पिंजड़ा उन्होंने इसी वजह से वहां पर लगाया हुआ है, लेकिन गुलदार पिंजड़े में कैद नहीं हो पा रहा। और गढ़वाल वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। उधम सिंह नगर में गुलदार की दहशत से लोग परेशान है, और पतरामपुर रेंज में घर लौटते समय एक युवक पर गुलदार ने हमला भी कर दिया। गुलदार के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए काशीपुर रेफर कर दिया गया है। तो वही वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा है कि सभी अधिकारियों को अपने इलाके में गश्ती बढ़ानी चाहिए और गश्ती बढ़ाने के निर्देश देने चाहिए। गुलदार ने युवक पर हमला किया है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो युवक को काशीपुर रेफर किया गया, जब एक गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया और युवक की हालत गंभीर हो गई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लगातार चहलकदमी गुलदार की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब रिहायशी इलाकों में भी ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, पौड़ी और उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां गुलदार के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल। पौड़ी में जहां रिहायशी इलाके में गुलदार दिखा, तो वहीं उधम सिंह नगर में गुलदार के हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया है, अमर देवी शाह को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया गया है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है और अमर देवी शाह को पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया गया। 10 दिन बाद 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बीच हर रोज बाबा के दर पर भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक 15 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में बना नया कीर्तिमान, बाबा केदार के दर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहली बार भक्तों का आंकड़ा 15 लाख पार। इन दिनों बाबा केदारनाथ के धाम में भक्तों का जमघट लगा हुआ है। अपने आराध्य, अपनी इष्ट देवों के देव महादेव के दर्शन पूजन के लिए बाबा के दर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए भक्तों का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। अब तक 15 लाख से अधिक भोले के भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 27 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में बाबा के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। दर्शन के लिए केवल 10 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में हर रोज करीब 10 से 12 हजार श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि सायंकालीन आरती के समय में भी मंदिर परिसर में खूब भीड़ उमड़ रही है। इस बीच भक्तों की सुविधा, दर्शन की सुगमता को लेकर शासन प्रशासन भी हर कोशिश में जुटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बेहतर इंतजाम का ही नतीजा है कि भक्तों का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। यात्रा सीजन की शुरुआत से हम लोगों को अंदाजा था, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा प्रभावित रही थी, तो ये पता था कि इस साल काफी अधिक संख्या में यात्री आएंगे, तो उसको देखते हुए हमारे द्वारा वो सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी।
तो उसी का परिणाम है कि अभी तक हमारी यात्रा लगभग 15 लाख लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ चुके हैं और पुलिस द्वारा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की गई। यही प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि ट्रैक रूट के जो रखरखाव है, टॉयलेट्स हैं, पीने पानी पीने की जगह है, या फिर यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए रेन शेड्स हैं, टोकन सिस्टम है, और जो दुकानें वहां लगती हैं केदारनाथ में या पूरे रास्ते में, उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि जो लोकल यहाँ के जो रुद्रप्रयाग जनपद के जो वासी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कार्य किया गया है और इसलिए यात्रा का सफल संचालन मुमकिन हुआ है। केदारनाथ यात्रा अपने आखिरी चरण में है। इस बीच केदारनाथ की सकुशल यात्रा संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ये भी लगभग 15,000 से 20,000 लोग केदारनाथ धाम में पीक सीजन में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सभी श्रद्धालुओं को टाइमली दर्शन कराना, किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, बहुत ज्यादा समय तक उनको लाइन में ना लगना पड़े, तो इसको भी व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त बीच में क्योंकि मानसून की वजह से कई बार आपदा संबंधित घटनाएं भी हुई, तेज बारिश हुई जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ, तो उन सभी केसेस में तुरंत कार्रवाई करना, लोगों को इवैक्यूएट करना, रेस्क्यू करना, ये सभी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक और जहां केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं केदारनाथ धाम की भव्य और दिव्य छटा देखते ही बन रही है। साफ मौसम और खिली धूप से भक्तों का उत्साह और दोगुना होता जा रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।